सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द। हेलो फ्रेंड्स, आपका आर के यू टेक्निकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसे कि कई लोग कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन होती है, कंप्यूटर लें या फिर लैपटॉप लें। तो आज मैं आपकी इस वीडियो में यही कन्फ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं लैपटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर आप खरीदना किस पर्पस से चाहते हो? आपका वर्क क्या है? आपको एक जगह बैठ के करना है या फिर जगह जगह फील्ड पर जाके करना है? सबसे पहला पॉइंट ये आता है। अगर आपको एक जगह बैठ के करना है कि आपको यहीं पे एक ही जगह पे करना है तो आपके लिए डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर बेस्ट रहेगा। अगर आपको फील्ड पर जा जाके करना है, जगह जगह पे, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, तो उसके लिए लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरी बात आती है कि पैसों की। आपके पास जैसे कि 30,000 रुपये हैं, आप 30,000 रुपये में बेस्ट खरीदना चाहते हैं। अगर आप 30,000 रुपये में लैपटॉप खरीदते हो, या जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 30,000 रुपये में i3 5th generation आ जाता है, ठीक है, कोई भी कंपनी ले लेते हैं, HP या कोई भी, 30,000 रुपये में आपको i3 5th generation आ जाता है। अगर वहीं पे हम लैपटॉप की जगह अगर डेस्कटॉप लेते हैं तो वो हमें अब कुछ अपग्रेड मिलेगा। यहाँ पे हमें 6th generation भी मिलती है, मिल सकती है i3। तो उसके लिए ये हमारा बेस्ट है कि हम पैसों को देखें तो डेस्कटॉप ले, उसमें हमें कुछ अपग्रेड फंक्शन मिलेंगे। अब दूसरा पॉइंट, अगर आप एक बार लैपटॉप ले लेते हैं, उसका मॉनिटर आपको एक ही बार में देखकर लेना पड़ेगा, आपको स्क्रीन छोटी या बड़ी, उसमें 14 इंची आएगी या फिर 15 इंच, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं तो उसमें आप अपने हिसाब से कभी भी मॉनिटर चेंज कर सकते हैं यानी स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, जहाँ कि लैपटॉप में स्क्रीन एक बार लैपटॉप लेने के बाद डिस्प्ले चेंज नहीं होती कि इससे बड़ी लगा लें या फिर दूसरी लगा लें, वो चेंज नहीं हो सकती। तो उसको देखते हुए हम डेस्कटॉप बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अगर हम बाद में अगर हमको बड़ी स्क्रीन लगानी है तो हमारे लिए डेस्कटॉप ही बेस्ट रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ट रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है रिपेयरिंग का। अगर एक बार डेस्कटॉप ख़राब होता है यानी कंप्यूटर ख़राब होता है तो उसमें 400 से 500 रुपये में वो ठीक हो सकता है आराम से। और अगर यहीं पे हमारा लैपटॉप में, अगर लैपटॉप में दिक्कत आती है एक बार में, तो कम से कम 1,000 रुपये तो उसके उसको लैपटॉप को खोलने के लग जाते हैं और बाहर जाना ही पड़ेगा लेकर, तो उसमें हमारे ढंग से पैसे लगने वाले हैं। तो इसमें भी डेस्कटॉप ही बेस्ट रहेगा। चौथा पॉइंट आता है अपग्रेडिंग का। अब चौथा पॉइंट आता है अपग्रेड का। अगर हम लैपटॉप खरीदते हैं, अगर हम लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें हम कुछ भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे रैम और हार्ड डिस्क के अलावा, और वो भी हमें दुकान पर जाना पड़ेगा, किसी इंजीनियर से मिलना पड़ेगा। अगर यहीं पे हमारे पास डेस्कटॉप है यानी कंप्यूटर है तो उसमें हम आसानी से रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपग्रेड्स कर सकते हैं। ये अभी हमारे पास i3 है, i5 भी लगा सकते हैं, i7 भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें ज़्यादा कॉस्ट, मतलब लैपटॉप में तो अगर हमें अपग्रेड करना है तो पूरा का पूरा ही लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा, उसमें तो हमें कुछ ही पार्ट चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है पावर का, पावर कट। अगर हमारे पास लैपटॉप है तो उसको हम एक बार चार्ज करके 4 से 5 घंटे आराम से चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे अगर हमारे पास डेस्कटॉप है तो उसमें अगर एक बार वो लाइट चली जाती है तो वो हमारा काम वहीं पे ख़राब हो जाएगा। उसके लिए हम
लैपटॉप बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आपको अब पता चल गया होगा कि लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या लेने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों।